हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है हरितालिका तीज, बताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हरा हरा देख के आप लोग समझ गए होंगे। और इस दिन का तो हर औरत को इंतज़ार होता है। हर औरत इस दिन हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, सब कुछ हरा हरा, मतलब मेकअप करती है, मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी तो मैंने आप लोगों के सामने ही लगा ली थी, और बस मैं तैयार हो गई हूँ अपनी ये नई साड़ी पहन के। और नंदिनी ने मेरे ये झुमके पहनाए हैं, तो उसने बहुत तेज खींच के पीछे लगा दिया। जैसा मुझे एक कॉमेंट आया था ना कि आप अपने कान पीछे बांध लिया करो, सेम वैसे ही बना दिया था उसने मुझे। और मेरे पास ये बीट्स रखी हुई थी, तो मैंने चोटी में बीट्स लगा लिए। इस बार मैंने गजरा नहीं लगाया है, उसकी जगह इन्हें लगा लिया है। उसके बाद लगा लिए ग्रीन नेल पेंट। हमेशा रेड लगाती थी, लेकिन ये इस बार ग्रीन है। तो ये मेरा फाइनल लुक तैयार होने के बाद। और पूरा तैयार होने के बाद, अभी मैंने महावर तो लगाया ही नहीं था, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही मैं लगा रही थी, वैसे ही मुझे आप लोग की बात याद आ गई। आप लोग बोलते हैं ना कि दी हल्दी लगा लिया करो लगाने से पहले, तो मुझे जैसे ही याद आया तो मैंने इस बार हल्दी भी लगा ली है, वरना मैं भूल जाती थी हर बार। और उसके बाद मैंने ये महावर लगाया है। इस बार मैंने ये लिक्विड वाला महावर मंगाया था। तो तैयार तो मैं हो चुकी, वहाँ से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं बनाऊंगी आज कलाकंद, एकदम नई चीज़ बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा पेड़े बनाऊँ, फिर मैं सोच रही बर्फ़ी बनाऊँ, तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आज नई चीज़ बनाएंगे। और नंदिनी फल साफ़ कर रही थी, तो ये फलों के साथ गजरा भी निकल आया, क्योंकि मैंने ये मंगाया था, जैसे मैं हर बार मंगाती हूँ। तो फिर मैंने इस बार लगाया नहीं, मैंने नंदिनी से बोला लगाने के लिए, तो वो लगा नहीं रही, कह रही नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, वरना मैं उसकी चोटी में लगा देती। तो यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर से कलाकंद बना रही हूँ। पाउडर है, पाउडर चाट रहे हो यान? पाउडर चाट रहे हो? कैसे चाट रहे हो, दिखाओ, मीठा है? लेकिन ये इतना दानेदार बना था कि लग ही नहीं रहा था कि ये मिल्क पाउडर का बना है, क्योंकि मिल्क पाउडर की मिठाई थोड़ा सा स्मूथ, बहुत चिकनी चिकनी सी होती है, लेकिन ये बहुत दानेदार बना था। मैंने क्या किया, 3 कटोरी लिया है मिल्क पाउडर, जो आधा किलो वाला पैकेट आता है वो पूरा ले लिया है, उसमें 3 कटोरी के लगभग ही निकला था। और 1.5 गिलास पानी डाला था, और बस चलाते 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 ये गाढ़ा हो गया है, जैसी मतलब इस वाली पोजीशन में आ गया है। तब मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया, और फिर चलाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस और पानी मिला लिया है। और उसके बाद अब मैं इसको थिक होने के बाद में, जब ये गाढ़ा हो गया है, तो इसमें नींबू के पानी और सिंपल पानी का जो घोल है उसके छींटे ऐसे लगाती जाऊँगी, चलाती जाऊँगी, ऐसे 2-3 बार छींटे लगाना है। इससे क्या होगा, ये एकदम दानेदार हो जाएगा। और इसी टाइम पे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पाउडर शुगर, क्योंकि मिल्क पाउडर पहले से मीठा होता है, इसलिए मैंने कम डाला है। और उसके बाद चलाते चलाते ये एकदम दानेदार हो गया, जैसा मिल्क केक आता है ना मार्केट में, कलाकंद जैसे होता है उसी तरीके का हो गया, और एकदम ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसकी पहचान है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे, क्योंकि वैसे तो ये कढ़ाई में चिपकता है, जब एकदम से कढ़ाई छोड़ने लगता है तो इसकी एकदम सही पोजीशन होती है कि इसको गैस को बंद कर देना है। और इसको घी लगा के मैंने केक टिन में ऐसे मतलब रख दिया है, ऐसे थपथपा के बराबर करके, और बस ऊपर से लगा दिए थोड़े से पिस्ते, मतलब पिस्ता लगा दो, बादाम लगा दो, काजू लगा दो, जो भी लगाना हो। और ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं होता, तो मैंने इसको उठा के, मतलब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ गए, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था, ताकि अच्छे से जल्दी से सेट हो जाए, जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर निकाल लिया मैंने सारा पूजा का सामान, बेलपत्र, फूल, पान के पत्ते, ये सब मैंने धो के साफ़ करके लगा लिए हैं। और ये भी ठंडा हो गया है, तो इसको मैंने रख दिया फ्रीजर में। और फ्रीजर का तो आपको पता है कि कवर टूट चुका है, नंदिनी से टूट गया था धोखे से, तो उसको ऐसे ही लगा के रखा ही हूँ। और जो ये नींबू के छिलके निकले थे, इससे मैंने साफ़ कर लिए हैं पूजा के बर्तन, तो ये भी चमक उठे हैं सारे। और मंदिर की सफाई नंदिनी पहले ही कर गई थी, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर रंगोली जाली से।
और ये देखिए मेरा मोबाइल पा चुके हैं, जब देख रहे हैं ना कि सब लोग देख रहे हैं, सबकी नज़र मेरे ऊपर है, तो बड़े आराम से मेरे पास मोबाइल रख के बंद करके रख रहा है। देखिए कितने अच्छे से, मतलब उसमें टाइम वगैरह दिख रहा है ना, तो उसको भी बंद करके आराम से रखा है। और जब नहीं देखता है ना कोई, उसके बाद ये क्या करता है, जब किसी की नज़र नहीं होती है फिर तो ये बड़े बड़े नुकसान करता है। टॉवल से अपना साफ कर लो, अपने कपड़े साफ कर लो, पैंट साफ कर लो, टी शर्ट साफ कर लो, ले आओ टॉवल, जाओ। जानू के लगा रहने दो, जानू के तो चले क्या क्या लगा है। ये हाथ हमको दे दे, ऐसे बोल रहा है ये देखिए कितनी प्यारी रंगोली लग रही है। इस बार नंदिनी ने इसमें कलर भी भर दिया है हल्दी और कुमकुम से, क्योंकि पिछली बार खाली सफ़ेद बनाई थी, तो आप लोग कह रहे थे ना कि रंग जरूर भर देना चाहिए। और उसके बाद जो मैं ये ज्योति लाई थी ना नई, उसको मैं बत्ती लगा रही थी, तो मतलब जलते तो बहुत देखा है घर में, लेकिन अपने हाथ से इसमें बत्ती नहीं लगाई, तो मुझसे नहीं बन रही थी, तो इन्होंने लगाई है। और उसके बाद नंदिनी ने यहाँ पर व्यवस्था बना ली है सबकी बैठने के लिए पूजा में, सब अपने अपने काम में लगे हुए, सबके काम बटे। अयान का भी काम देखा होगा आप लोगों ने, उसने सबको गंदा किया था, तो सबको टॉवल लेके साफ करके गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं सारा पूजा का सामान इकट्ठा करके ले आई हूँ, मतलब जो जो सामान मैंने तैयार किया था, क्योंकि यही काम होता है ना, इकट्ठा करते टाइम कोई चीज़ रह ना जाए, तो यहाँ पर बस शुरू कर दिए मैंने पूजा की तैयारी। ये है भगवान जी का हार जो मैं लेके आई थी, तो हम भगवान जी को हार पहनाते हैं, और सारी चीज़ें मिठाई फल जो जो चीज़ें मेरे पास हैं सब कुछ चढ़ा के, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। और ये बनाई है मिट्टी की मैंने गौर माता, और उनमें मैंने सिंदूर चढ़ा दिया है, क्योंकि पहले ही रखते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी इस बार, तो बाद में। थैंक यू अयान। ये देखो कलाकंद, देखो कलाकंद, कलाकंद। पहले भगवान जी खाएंगे बेटा। तो यहाँ पर मुझे जो कुछ याद आता गया, चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ मैंने माता पार्वती जी को चढ़ा दिया है। और उसके बाद कथा इन्होंने पढ़ दी थी, ये बोल रहे हैं कि लाओ कथा मैं पढ़ देता हूँ, वरना हर बार मैं पढ़ लेती थी। तो यहाँ पर हमारी पूजा कथा आरती वगैरह सब कुछ हो गई है, जो जो जैसे जैसे मुझे याद आ गया है। ये आपकी आपकी पाजेब गिर गई, नरम होती है तो फ्रीजर से है, वो खुल गई, वो लगा नहीं रहा सही, पहनी है। मैं जहाँ पर पूजा वगैरह कर रही थी वहीं पे मेरी ये पायल गिर गई थी, क्योंकि इसका हुक अच्छे से नहीं लगा हुआ था, तो अभी मैं प्रसाद वगैरह लगा रही थी, तो ये बोलते हैं लाओ मैं पहना देता हूँ, मैंने कहा चलो पहना दो, तो कह रहे प्लास लेके आओ सब अच्छे से बंद करते बनेगा ऐसे, तो मुझे छूने चाहिए थे आज। आशीर्वाद कौन देगा? सदा क्या? और उसके बाद में जो मैंने गौर माता को सिंदूर चढ़ाया था उससे मैंने सिंदूर लगा लिया है, और जो चूड़ियाँ चढ़ाई थी चूड़ियाँ पहन ली हैं। और जो लोग हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखते हैं ना, उनकी पूजा विधि बिल्कुल अलग होती है, वो तो मुझे नहीं आती है, ये तो मैंने सिर्फ नॉर्मल पूजा की है जैसे हम करते हैं भगवान की, वो सब उस और फ्री होने के बाद में मैंने चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया, फटाफट किचन में भागती हुई आई हूँ, और इतनी जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया है, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी, खाने का टाइम हो गया था, मैंने कहा बाद में चेंज करूँगी, पहले मैं खाना रख देती हूँ। तो सब्जी चावल मैंने रख दिए हैं जल्दी से, बाकी प्रसाद हो गया, पूजा तो हो गई, तो चलिए सबको प्रसाद भी दे देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रसाद खाइए, ये देखिए कितना मस्त कलाकंद बना है, ये देखिए ये कितना नरम रखा है एकदम, मैंने फ्रीजर में रख दिया था इसे कि जल्दी से जम जाए, लेकिन वो वैसे ही बहुत अच्छा जम गया है, बहुत अच्छे से जमा, ये देखिए आप लोगों ने खा लिया है तो टेस्ट तो मिल ही गया होगा कैसा बना है।
लो प्लेट वाली, प्लेट ले ली। और सारे काम से फ्री होने के बाद में बस मैं गेट चेक करने आई थी। गेट तो वैसे ही बंद कर गए थे, बस मैंने पर्दा वर्दा लगा दिया है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। पड़ा है जो बाजार से आया था, वो भी मैंने अंदर अभी सैनिटाइज करके नहीं रखा है। अभी अयान को दवा देनी है। दवा के नाम से ये बहुत डरता है, ये देखिए मुंह चुरा के भागा। इसको दवा, अदरक और शहद का जूस देना है क्योंकि रात भर ये खांसता है। दवा के नाम से नहीं दे रहे, आ जाओ आ छुआओ। और एक बार आप लोगों को फिर से एक बार हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे तीज अभी कहाँ है, 30 सितंबर में है तो वो होती है तीज, ये है हरितालिका तीज। मतलब दोनों ही तीज होती हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग होती हैं। वो वाली जो तीज होती है ना, उस दिन मैं पैदा हुई थी, मतलब डेट के हिसाब से नहीं, मतलब वैसे जो तिथि के हिसाब से होता है, और ये है हरितालिका तीज। तो दोनों अलग अलग है। मैं पैदा हुई थी, मेरे को नहीं पता वो कौन सी है, नहीं पता। I don't want to remember. मेरे को नहीं याद करना जिस दिन तुम पैदा हुए। क्यों? फिर बर्थडे क्यों मनाते हैं? बर्थडे कौन मनाता है? तुम मनाते हो। मनाना पड़ता है? पड़ता नहीं है, मनाते हो। नहीं मनाते। तो अभी क्या करते हैं, तो चलिए अब करते हैं वीडियो को एंड। और ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब लोग ढेर सारे भर भर के लाइक कीजिएगा। और न्यू है किस लिए लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज स्पेशल डे है, हर तीज है इसलिए। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।